क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कर्नाटक के मंत्री स्टालिन और डीएमके के सांसद द्वारा सनातन को अपमानित करने और खत्म करने के बयानों पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि सनातन को खत्म करने की ताकत तो पूरी दुनिया में किसी की नहीं है, वो केवल अपना वोट बैंक साधने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं और वो भी इसलिए क्योंकि कर्नाटक में ईसाई समाज के लोग ज्यादा हैं। सनातन को खत्म करने की उनकी ताकत नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बोल रहे हैं, ये सिर्फ राजनीति है और ऐसे लोगों को जल्द ही जवाब मिल जाएगा। जो सनातन धर्म को कोई भी हानि पहुंचाएगा उसे उसका जवाब मिल जाएगा। वहीं इंडिया गठबंधन द्वारा मीडिया हाउस और पत्रकारों का बायकॉट करने के मामले पर भी अपनी उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मीडिया के बिना कुछ नहीं चल सकता, ये लोकतंत्र का चौथा पाया है और जहां तक मीडिया को बैन करने की बात है तो उनके देश में सरकार थोड़ी है जो वो बैन कर देंगे। और जब 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल में मीडिया को बैन किया था तब देखा था क्या हाल हुआ था, लोगों ने इंदिरा गांधी को उठाकर फेंक दिया था। वहीं सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर की गई अभद्र टिप्पणी पर भी हमला बोला और कहा कि वो चौपाई का अर्थ ही नहीं समझ पा रहे, अगर कुछ मामूली गलती है तो उसमें सुधार हो सकता है, 500 साल पुरानी बात है, उस समय डेमोक्रेसी तो थी ही नहीं। क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष एक कार्यक्रम में शामिल होने मुरादाबाद पहुंचे थे जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सनातन को खत्म करने वालों को आड़े हाथ लिया है। मोटी है क्षत्रियों को जागृत करना, जो लोग कर्तव्य पथ से थोड़ा बगल हो गए उनको कर्तव्य पथ लाना, बच्चों को हायर एजुकेशन देना, क्योंकि तलवार का अब जमाना रहा नहीं, अब जमाना आ गया है शिक्षा का। आरक्षण भी हमारे पास नहीं है, है तो बहुत थोड़ा अभी डिक्लेयर हुआ है, तो मेरा यही कहना है कि उनके हाथ में मजबूत कलम हो, अच्छी परसेंटेज लावाएं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, यहाँ जॉब नहीं मिलेगा तो अमेरिका में मिल जाएगा, कनाडा में मिल जाएगा, लंदन में मिल जाएगा, या अपना उद्योग संभालें। प्रधानमंत्री जी ने बहुत उद्योग दिया है, लोग गांव तक पहुंच नहीं रहा है, तो उस उद्योग में आवाएं, वो तमाम सब्सिडी है, तमाम बातें हैं, फाइनेंस बहुत अच्छा है, तो उसका फ़ायदा लेके, खेती में कुछ बचा नहीं है। अभी खेती में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि आजकल जो आवारा पशु हैं, नीलगाय हैं, बंसूरा हैं, ये किसानों को तंग करके रख दिए हैं, रात रात भर जग रहे हैं लोग, एक दिन गलती हुई तो एक दिन में ख़त्म कर देते हैं फसल पूरा। इसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए कुछ, एक टैक्स लगा दीजिए और हर ज़िले में लोगों को हम लोग प्रशिक्षित कर रहे हैं, भाई गौ सेवा करिए और इस तरह से जानवर सड़क पर नहीं आने चाहिए, उसमें आप मदद करिए सरकार को, ये सब मिशन हमारा है। और लड़कियों के शादी में दहेज नहीं लिया जाए, जो पैसा शादी में फालतू खर्चा होता है, दहेज में खर्चा होता है, वो अपना उसके हायर एजुकेशन पे खर्चा किया जाए, लोग बहुएँ शिक्षित लावें, इंजीनियर लावें, डॉक्टर लावें, MBA लावें और उनका घर बन जाएगा। ये सब मिशन हम लेकर चल रहे हैं, सामूहिक विवाह हो, 11 शादी इकट्ठा एक स्टेज पर होगी, 11 आदमी मिल के खर्चा बांट लीजिए, उसमें सभी सम्मानित लोग आएंगे, आशीर्वाद देने आएंगे। भगवान राम की शादी सामूहिक विवाह में हुई थी, लोग हमारे लोग शर्म करते हैं कि नहीं हमारा नाम खराब हो जाएगा, भगवान राम से बड़ा कोई राजपूत है क्या? तो ये सब मिशन लेकर हम चल रहे हैं। कुछ लोग नशे वशे की तरफ घूम गए हैं, नए लड़के, ठीक है, पुराने में भी था, ऐसा नहीं था, तो उनको ठीक है, उनको संभाला जा रहा है कि भाई ये बहुत बुरी चीज़ है, अगर पीना ही है तो दवा के रूप में पियो एक आधा पैक, क्योंकि एकदम तो छोड़ने वाले हैं नहीं जी। कहीं ना कहीं सनातन को खत्म करने की बात देश में हुई, पहली बार हुई है, कई सांसदों ने कहा है, स्टालिन ने कहा है और डीएमके का सांसद है राजा, आप खुद संसद में रहे हैं, जब सनातन ही नहीं रहेगा तो समाज कैसे बचेगा? देखिए उनकी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वहाँ पर दलित समाज बहुत ज़्यादा है, तो अपनी पॉलिटिक्स करके अपना वोट संभाल रहे हैं। सनातन खत्म करने को उनकी ताकत नहीं है, किसी की ताकत नहीं है, पूरे दुनिया में किसी की ताकत नहीं है सनातन खत्म करने की, लेकिन अपने राजनीति कर रहे हैं, अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, बोल रहे हैं खाली। और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ क्रिश्चियन हैं, दलित हैं, वहाँ तो सनातन धर्म मानने वाले बहुत थोड़े से लोग हैं, ये राजनीति है, राजनीति में आदमी अपना वोट बैंक संभालने के लिए कुछ भी करता है। देखिए ऐसा है कि गर्दनें काटने का कटाने का हम लोग इतने छोटे विचार में नहीं जाते हैं, ठीक है,
उनका जवाब मिल रहा है, मिल जाएगा जवाब। सनातन धर्म को कोई भी हानि पहुंचाएगा तो उसका जवाब मिल जाएगा। कई पूरा इंडिया गठबंधन बना है, उन्होंने मीडिया का बहिष्कार किया है, 14 मीडिया हाउसेस का बहिष्कार किया है, क्या मीडिया के बिना क्या चल सकता है क्या? अब देखिए, एक क्वेश्चन था आपको इंडिया वालों से करना चाहिए, क्यों किया है, क्या किया है। अब कुछ लोगों का कहना है कि कुछ मीडिया बिक चुकी है और खाली बीजेपी को दिखाती है। अब उनके मन में क्या है मुझे मालूम नहीं है, ठीक है, लेकिन मीडिया का बहिष्कार तो नहीं होना चाहिए। आपातकाल देखा होगा 75 का, इंदिरा गांधी के समय में जी, क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि वहाँ भी मीडिया बैन थी, यहाँ भी मीडिया बैन की जा रही है, क्या क्या मानते हैं? नहीं नहीं, मीडिया वो कैसे बैन करेंगे, उनके पास गवर्नमेंट थोड़ी है, मीडिया कैसे बैन कर देंगे? तो कर सकते हैं जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जहाँ कांग्रेस की सरकार वहाँ तो कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मीडिया बैन नहीं होगी। मीडिया वो इमरजेंसी का टाइम था, हो गया, वो मीडिया वगैरह बैन नहीं, मेरा मेरे विचार थे, कौन क्या करेगा मुझे मालूम नहीं। नहीं नहीं, मीडिया तो देखिए, चार हमारे जो स्तंभ है उसमें मीडिया एक है, एक स्तंभ को क्या हम खत्म कर देंगे? एक चार पाए पे हमारे डेमोक्रेसी खड़ी है, तो एक पाया खत्म कर देंगे? मीडिया तो चाहिए चाहिए, मीडिया बैन नहीं होगी। लेकिन लेकिन बैन कर दी गई थी, उसका रिजल्ट क्या हुआ? मीडिया के बैन करने के बाद इंदिरा गांधी को लोगों ने उठा के फेंक दिया, जनता पार्टी आ गई। अब जनता पार्टी शासन चला नहीं पाई, 27 महीने में भाग गए छोड़ के, वो तो नेताओं की गड़बड़ी थी, 20 पार्टी मिलकर इकट्ठा आ गए थे तो नहीं चला। वो आप उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, यहाँ समाजवादी पार्टी के हैं प्रसाद मौर्य, वो रामचरितमानस के लेकर उल्टा सीधा कहते रहते हैं, ये जो धार्मिक ग्रंथों पर जो देखिए, ऐसा है कि वो चौपाई का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, ढोल गवार शूद्र सुनारी, चौपाई का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। और अगर किसी से कोई गलती लिख दिया तो चार चौपाई चेंज कर देना चाहिए। उस समय क्या 500 साल पहले की बात है, 500 साल के पहले क्या समाज था, क्या नहीं था, क्या व्यवस्था थी? डेमोक्रेसी थी नहीं, ठीक है, उस समय नीचे वाले समाज में कुछ अन्याय भी हुआ, उनको सम्मान नहीं मिलता था, ठीक है, उस समय लिखा गया था वो, आज वो परिस्थिति तो नहीं है, आज तो सब बराबर है। लोकसभा चुनाव में क्षत्रिय समाज तो बीजेपी के साथ है, लेकिन पिछली बार टिकट काफी काट दिए गए थे लोकसभा में, उस पर हम बात करेंगे, अगर वो सम्मान देते हैं तो ठीक है, नहीं सम्मान देते समाज से बात करके निर्णय लिया जाएगा।